हेलो दगड़ियो, नमस्कार। पहला स्वागत है तुम्हारे देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में। पर गाइज, फिलहाल आज आप सभी को पता है सावन का चौथा सोमवार है, बाकी शायद एक और सोमवार पड़ने वाला है। तो फिलहाल आज हम जा रहे हैं भोलेनाथ स्वामी के मंदिर, देखते हैं कहाँ जाते हैं, अभी तो कोई फिक्स नहीं है। बाकी वन पहले हमारा प्लान बना था धज जाने का, यानी जो पलेटा से ऊपर है। अभी सोच रहे हैं शायद पिथौरागढ़ की ओर भी जा सकते हैं, पिथौरागढ़ में भी है मंदिर, या फिर मोस्ट मानो चंडाक साइड को या कामाख्या देवी मंदिर भी जा सकते हैं। तो अभी चल रहे हैं मयंक में, सचिन और चाचा आ रहे हैं। सचिन और चाचा तो चले गए स्कूटी में, बाकी मैं रुक रहा हूँ, मयंक का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, मयंक का आने वाला है, फिर चलते हैं। तो फिलहाल अपनी राइड स्टार्ट हो चुकी है, यानी ये मयंक आगे और बाकी चाचा और सचिन आगे चले गए। बाकी आपको मंदिर पहुँचने तक फुल सिनेमेटिक्स मिलेंगे, तो इन्जॉय कीजिए। ये सीन चेक कीजिए, क्या मस्त मतलब पहाड़ हैं। बाकी अभी फिलहाल पहुँचे कनाली सिन्हा और ये आ रही है अपनी गैंग, ये आगे वाली है। अभी कनाली सिन्हा से आगे, यानी मतलब पलेटा से भी आगे आ चुके हैं। प्लान था धज जाने का, लेकिन अभी हम जा रहे हैं पिथौरागढ़। कौन से मंदिर जा रहे हैं वो भी पता नहीं है। बाकी यहाँ पे पूरी गैंग है, ये जूस भी पी रहे हैं, बहुत आगे आ गए थे, बहुत तेज़ चलते हैं ड्राइवर ने, बहुत इतनी भगाते हैं, 500-220 भगाते हैं। बाकी पीछे का व्यू आपको मैं फ्रंट कैमरे से चेक कराता हूँ। वॉइज फिलहाल पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़ के व्यू पॉइंट पे, जहाँ से पूरी पिथौरागढ़ दिखती है। बाकी मेरे पीछे चेक कर सकते हैं भारत का तिरंगा। तो चलते हैं ऊपर को, ये लोग भी आ चुके हैं, अभी वापसी में रुकेंगे यहाँ पे, फोटो शूट वापसी पे करते हैं। तो चलते हैं चंडाक की ओर, बाकी मोस्ट मानो जाने का प्लान है अपना, तो देखते हैं क्या बनता है आगे, सीन क्या होता है। पर बॉयज फिलहाल चंडाक से निकल चुके हैं मोस्ट मानू की ओर, और यहीं से अपना प्लान है ग्रीन आइसलैंड जाने का। तो बाकी यहाँ का व्यू दिख ही रहा होगा, क्या ही मस्त व्यू आया, मतलब यहाँ ना जो देवदार के पेड़ हैं और पेड़ों के बीचों बीच गाड़ी, मतलब गाड़ी बोल रहा है रोड। बाकी सचिन लोग चले गए, मेरे साथ में मयंक आया और हम भी चलते हैं। बाकी वीडियो शूट पीछे से मयंक कर रहा है, तो चलते हैं सीधे मिलते हैं मोस्ट मानू पे। फिलहाल पहुंच चुके हैं मोस्ट मानो मंदिर पे, बाकी चल रहे हैं आगे तीन लोग। ये रहा अपने पीछे मोस्ट मानो, यानी मोस्टा देवता का मंदिर। बाकी यहाँ पे सचिन फोटोग्राफर आज मयंक का, और मयंक मेरा वीडियोग्राफर है। तो करते हैं भगवान जी के दर्शन, बाकी फिर चलते हैं ग्रीन आइसलैंड की ओर। भस्म
भगवान जी के दर्शन हो चुके हैं, बाकी अभी जूते हाथ में पकड़ के वो आगे जा रहे हैं, आगे पे पहनेंगे जूते बैठ के। यहाँ पे क्या कहना है, यात्री साइड है, तो वहाँ पे बैठते हैं फिर चलते हैं ग्रीन आइसलैंड की ओर। बिकॉज मैं कभी बोल रहा है, कभी कभी नहीं गया हूँ ग्रीन आइसलैंड, तो चलते हैं। और सचिन भी आना नया ही है, प्लेन से आदमी हुआ, पहली बार आ रहा है पहाड़ों पर, तो चलते हैं। तो यार बॉयज, फिलहाल ग्रीन आइसलैंड जाने का प्लान हो गया कैंसिल अपना, बाकी अभी हम जा रहे हैं प्लस पॉइंट पे, गाड़ी नीचे पार्क कर दी, तो चलते हैं ऊपर। बाकी आपको यहाँ से पूरी पिथौरागढ़ का व्यू चेक कराते हैं। बॉयज फिलहाल पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे, ये रहा अपना प्लस पॉइंट, बाकी यहाँ से आपको आगे का व्यू चेक कराता हूँ। तो यार बॉयज यहाँ पे फिलहाल फोटोशूट हो चुका है, बाकी नीचे पे खड़े हैं, मतलब सॉरी पीछे अभी फोटोशूट चल रहा है, बाकी यहाँ चेक कर सकते हैं जीवन दामी जी ये। बाकी ये रही पूरी पिथौरागढ़, और यही रहा अपना प्लस पॉइंट, बाकी उसके आगे आपको दिख रहा होगा मेघना होटल, तो चलते हैं नीचे। मेघना होटल में शायद सचिन भाई की पार्टी होने वाली है आज, भरती भरती और गया है, बाकी फिर चलते हैं मार्केट की ओर, तो दिखाते हैं। अगर फिर अगर दूसरे मंदिर जाने का प्लान बनता है तो मैं दूसरा ब्लॉग शूट करूँगा, बाकी एक ही ब्लॉग लंबा हो जाएगा। और वही फिलहाल अब चलते हैं घर की ओर, बाकी इस वीडियो को करता हूँ यहीं पर, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बाकी नया ब्लॉग शूट करते हैं इससे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर